अच्छा जी, ये है जी अपोलो का होम इन्वर्टर जो कि अल्फा सीरीज़ का है। ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है 900 वॉट का। अब पता नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है नहीं, एक मिनट मैं इसको ठीक करता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टर 900 वॉट का है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव नहीं है, ये इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव है। इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस मुझको मिली है 29-30 हज़ार के करीब मुझे ये मिला है, और मार्केट में 32 का भी सेल हो रहा है, 35 का भी सेल हो रहा है। मुझे नहीं पता इतनी प्राइसेस क्यों हो रही हैं, लेकिन ये अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये तब की प्राइस है। अब इसके ऊपर जो फीचर्स लिखे हुए हैं वो हैं कि काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर लिखे हुए हैं, एसी टू डीसी कन्वर्जन। सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एक यूपीएस में होने चाहिए वो ये है, मल्टी प्रोटेक्शन, लो बैटरी अलार्म, लो बैटरी शट डाउन, ओवर चार्ज एंड डिसेंट दैट एंड, ये सब कुछ। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये प्योर साइन वेव नहीं है और ये सोलर वाला भी नहीं है, ये सिंपल वाला है कि ये 1000 वॉट का, यानी कि 900 वॉट का है, लेकिन इसको 1000 वॉट का कह के बेचते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है एक पावर केबल और एक वारंटी कार्ड और एक इसकी बुक मिलती है। बाकी इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं इसको लगा के चेक करता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं, और प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं कि ये काम का है या नहीं है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, तो ये यूपीएस मैंने कर लिया है कनेक्ट अपनी बैटरी के साथ। ये मेरे पास एक 130 एम्पेयर की बैटरी पड़ी हुई थी, जो इसको 1 साल हुआ है मुझे यूज़ करते हुए। और ये नीचे मेरा पुराना यूपीएस पड़ा हुआ है होमेज का, जो कि पता नहीं चलता है, नहीं चलता, कभी चलता है, बंद हो जाता है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। तो ये 130 एम्पेयर की बैटरी है जो कि फुल चार्ज हुई हुई थी। तो ये इसका डिस्प्ले है अपोलो का। अब इस डिस्प्ले के अंदर जो जो सेटिंग नज़र आ रही है वो है ये कि ये अभी बैकअप मोड पे चल रहा है, ये लाइन मोड है, और ये इसका वार्निंग वाला है। और तो ये अभी 228 वोल्टेज या फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, क्योंकि 152 वॉट इसके ऊपर चल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है इसके ऊपर, एलसीडी टीवी, और इसके ऊपर डिवाइस चल रही है, एक लाइट चल रही है, और एक सिंगल कैमरा चल रहा है इसके ऊपर। बस अभी इतना ही लोड है 152 वॉट्स का। तो ये दिखा रहा है कि ये इसके सेल कितने हैं, अभी मैं देखूंगा कि ये सही से दिखाता है या नहीं दिखाता, ये क्या है। तो ये अभी मैं इसको अगर ऑन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से ऑन किया, पावर मैंने इसकी ऑन की, तो ये इसके कुछ सेकंड लेगा, फिर ये इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखते हैं। हाँ, तो ये अब आ गया है चार्जिंग मोड के ऊपर, अब ये चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। और ये 160 वॉट लोड पे चला गया, क्यों चला गया मुझे नहीं पता। अब ये 120 वॉट पे आ गया, क्यों आ गया अब मुझे ये भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल से वापडा से शायद जब ऑन होता है तो 120 ले रहा है, और वैसे पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन ये 20 एम्पेयर पे चार्ज करता है। इसके अंदर मैंने सेटिंग चेक की है कि अगर आप सेटिंग इसकी चेक कर सकेंगे, 15 एम्पेयर से आपने बैटरी चार्ज करनी है या 10 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करनी है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, अभी मैंने इसको बंद किया हुआ है क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कितनी देर मेरा चलेगा। अब ये 120 वॉट शो कर रहा है। अगर मैं सेटिंग वाला बटन यहाँ पर दबा के रखता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ ये नैरो की सेटिंग है और ये इसकी वाइड की सेटिंग है कि आपने इसको नैरो पे रखना है या वाइड पे रखना है, और इसके अंदर कोई तीसरी सेटिंग है ही नहीं। और कुछ भी कर लो इसके अंदर सेटिंग, और कोई भी सेटिंग इसके अंदर नहीं आती, या अप एंड डाउन से भी इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ बीप बीप करता रहता है। एंटर से इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, इसको प्रेस करते रहो। लेकिन क्वालिटी मुझे इसकी पसंद नहीं आई, इसके बटन्स की क्वालिटी बहुत घटिया सी क्वालिटी है इसके बटन्स की। तो अब बाकी मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, तो यूपीएस हो गया है बंद, तो इसने 130 एम्पेयर की बैटरी पे चलाया है, तकरीबन एक पंखा चलाया है और एक टीवी चलाया है, एक डिवाइस चलाई है, एक बल्ब चलाया है, डिवाइस जो है वो इंटरनेट वाली डिवाइस है जो कि PTCL की होती है, वो चलाया है, और एक सिंगल कैमरा चलाया है। यानी कि 120 तकरीबन वॉट्स का शो कर रहा था, वो एक घंटा इस बैटरी के ऊपर चला है। अब मैं इसको करने लगा हूँ ऑन, और अब देखते हैं कि ये चार्जिंग कितनी देर में करता है। 20 एम्पेयर के हिसाब से इसको चार्जिंग, 130 एम्पेयर की बैटरी कितनी देर में ये चार्ज करेगा, अब वो देखेंगे। लेकिन इसने कोई भी बैटरी लो की बीप नहीं दी, हालांकि मेरे ख्याल है कि इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि बैटरी लो की बीप देगा, लेकिन इसने कोई भी बैटरी लो की बीप नहीं दी। अब वो ही सारा लोड चल रहा है, लेकिन 80 वॉट शो कर रहा है क्योंकि शायद अभी LCD बंद है। अच्छा, अभी ये चल रहा है बैकअप मोड के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने सिर्फ़ एक इंटरनेट वाली डिवाइस ऑन की हुई है जो कि 12 वॉट और 1 एम्पेयर की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वॉट्स में शो ही नहीं करता, यानी कि कोई छोटा सा लोड है ना 12 वॉट का, तो वो ये 12 वोल्ट का, तो वो यहाँ शो ही नहीं कर रहा। अब मैं इसके ऊपर लाइट ऑन करता हूँ एक और, देखते हैं। अब ये मैंने एक और लाइट ऑन की,
अब मेरे ख्याल से ये कोई 10-12 वाट का बल्ब होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, समटाइम यहाँ पे चीज़ें शो नहीं भी करता। अब ये कोई प्रॉब्लम है इसमें या फिर इसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे 12 वोल्ट की एक डिवाइस चल रही है और एक चल रहा है बल्ब चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि कितने वोल्ट करंट ले रहा है। अच्छा, अभी मैंने 40 इंच का जो टीवी है ना, एंड्रॉयड टीवी, वो ऑन किया है। तो वो पहले सिर्फ मैंने टीवी ऑन किया हुआ था तो वो 54 वोल्ट बता रहा था यहाँ पे। अब टीवी मैंने ऑन किया है, एंड्रॉयड टीवी है, ठीक है, 40 इंच का, तो अब ये यहाँ पे 64 दिखा रहा है। यानी कि अब इसने जो बल्ब के और जो डिवाइस के जो राउटर डिवाइस चल रही है उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अभी देखना, मैं लाइट ऑफ करूँगा तो देखते हैं कि ये क्या ये लोड कम करता है या नहीं। अभी मैंने लाइट ऑफ कर दी, ठीक है, जो कि इसी के ऊपर UPS के ऊपर चल रही है, लेकिन इसने लोड कम नहीं किया। पता नहीं कभी कभी ये क्या करता है। अभी मैं वापस से लाइट ऑन कर रहा हूँ, अभी भी ये काउंट नहीं कर रहा कि लाइट ऑन है या नहीं है। लेकिन ये जो टीवी है वो टीवी शो कर रहा है कि ये 64 वॉट का है। अभी मैं लाइट भी बंद करता हूँ और बंद करता हूँ डिवाइस भी, राउटर जो PTCL को होता है, देखते हैं कि फिर ये टीवी कितना शो करता है, कितने टीवी कितने वॉट ले रहा है। अच्छा, अभी मैंने इंटरनेट वाली डिवाइस भी ऑफ़ कर दी और बल्ब भी ऑफ़ करके देखा, इसने 64 वॉट कम नहीं किए। लेकिन अगर मैं बल्ब ऑन किया फिर भी इसने इसको प्लस नहीं किया। अभी मैं बल्ब ऑफ़ कर रहा हूँ जो UPS पे चल रहा है, फिर भी इसने माइनस नहीं किया। डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन ये वार्ड मेजरमेंट में सही से कैलकुलेशंस नहीं करता। अभी ये चल रहा है बैकअप मोड पे, तो अभी मैं इसको बैटरी मोड पे ऑन करता हूँ और देखते हैं कि टीवी बंद होता है या नहीं। तो ये अब स्विच हो गया है बैकअप मोड से लाइन मोड पे, लेकिन फिर अब इसने 64 वॉट का 70 वॉट बना दिया। अभी क्यों बना दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं टीवी बंद हुआ है या नहीं। अच्छा, टीवी चल रहा है, अभी तक टीवी बंद नहीं हुआ। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर आपका ये टीवी चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरी डिवाइस चल रही है और ये एक लाइट बल्ब चल रहा है, ठीक है, जो UPS के ऊपर है, अभी मैं जब उसका बैकअप वाला बटन ऑन करूँगा या ऑफ करूँगा तो ये सिस्टम भी सारे बंद कर देता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब ये यहाँ पे चल रहा है बैकअप, यानी कि ये लाइन मोड पे चल रहा है, लेकिन ये चार्जिंग कर रहा है, ठीक है, 20 एम्पीयर से ये इसको चार्ज कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये इसके नीचे जो पड़ा हुआ है ना मैट्रिक्स का, होम एज का 1001, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने इसको बैकअप मोड से बंद कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको बैकअप मोड से बंद कर दिया। तो अब अगर मैं इसको वापस से बैकअप मोड पे लाऊंगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको वापस से ऑन किया कि चार्जिंग ऑन कर दे, ठीक है, अभी लाइन मोड पे चल रहा है लेकिन कुछ भी बंद नहीं हुआ, लाइट वगैरह ऑन है, देखें लाइट ऑन है, ठीक है। तो अभी मैं इसको करूंगा बंद, एक मिनट, मैं एक और लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने एक और लाइट ऑन कर ली, ठीक है, ये दूसरे वाली बंद कर दी। तो अभी अभी ये होगा कि अभी मैं इसको ऑन करूंगा ना कि इसकी चार्जिंग स्टार्ट करे, तो ये फिर से ये बंद कर देगा। अब ये देखें, ये इसने सब कुछ बंद कर दिया, फिर से इसने दोबारा से हर चीज़ रीस्टार्ट की है। मेरे नीचे वाले इस UPS में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये जो होम एज का है ना मैट्रिक्स 1001 पुराना UPS है, इसके अंदर इस तरह का कोई नहीं था कि मैं बटन ऑफ कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ, इसका लाइन से कोई ताल्लुक नहीं होता था कि लाइन अगर आ रही है या लाइन स्विच कर रही है, कभी कोई चीज़ बंद नहीं हुई, चाहे मैं इसको ऑन करूँ चाहे मैं इसको ऑफ़ करूँ बटन को, कुछ भी करता रहूँ तो बंद नहीं होता था। इसमें पता नहीं शायद ये प्रॉब्लम है या फिर इन्वर्टर्स में ऐसा ही होता है।